खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। ये जिंदगी का फंडा है कि दुख वाली रात को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश का फल आता है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। याद रखना सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। मुझे बुरे लोगों से नहीं दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। ना समझ है वो अभी मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है ना मेरे हालात नहीं समझेगा। खुद पर बीते तो सच लगता है, दूसरे पर बीते तो ड्रामा लगता है। हमेशा मैं ही क्यों डरूं तुझे खोने से, कभी तो ऐसा हो तू भी डरे मेरे ना होने से। जो व्यक्ति अपनी कही बातों पर टिक ना पाए उसकी बातों पर यकीन कभी मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको धोखा जरूर देगा। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती है। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। गलतियां बहुत की हैं मैंने मगर कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तुम तो यूं ही आंसुओं से परेशान हो, यकीन मानो मुस्कुराना और भी मुश्किल है। आप किसी का कितना भी अच्छा करते रहो फिर यह होता है कि वह आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। याद रखिए, एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। आईने से बढ़कर कोई साथी नहीं, जहान में आपके रोने पर वो कभी नहीं हंसता। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। मूर्ख से कभी भी मधुर वचन की अपेक्षा न रखें, कौवे की आवाज कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आंख में पड़ा तिनका, पैर में ढंसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है, यही जीवन का सत्य है। विश्वास का यह मतलब नहीं जो मैं चाहता हूं वही बाबा जी करेंगे, विश्वास का मतलब है बाबा जी वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं, अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। जिंदगी भी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, जिंदगी तो उसी की होती है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। किसी की मजबूरियों पर ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं और ऐसे गए जैसे आए ही नहीं थे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि आप आज के समय में श्रवण कुमार ही बने, बस अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना करें, उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख है। जिंदगी ने कई सवालात बदल डाले, वक्त ने मेरे हालात बदल डाले। मैं तो आज भी वही हूं जो मैं कल था, बस मेरे लिए लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए,
इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। मुझसे कहते हैं वह तुम खुशबू हो और चाहते हैं मुट्ठी में रहूं। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेंट नहीं भरा। जिस कहानी को जी रहा हूं मैं, उस कहानी में मर चुका हूं मैं। बड़ी ही मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, जब मां बाप ने पूछा हम हैं किसके हिस्से में। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद। प्रेम स्थायी होता है, जो परिस्थितियों के अनुरूप बदल जाए वह प्रेम नहीं छल है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिनके पास खुद इज्जत नहीं वो किसी और को क्या इज्जत देंगे। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। ये संग दिलों की दुनिया है, संभल कर चलना गालिब, यहां पलकों पर बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए। जो बिन कहे सुन ले, वो दिल के बेहद करीब होते हैं। ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जब हमें कोई देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही ना आती हो। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, तीनों हानिकारक होते हैं। जिन लोगों में आपकी कीमत ना हो, ऐसे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। हमारी खामोशी को हमारा घमंड ना समझो, बस कुछ ठोकरे ही ऐसी खाई हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। क्या खूब लिखा है एक भाई ने, दूसरे भाई के लिए बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले, मेरे भाई घर के आंगन में दीवार न कर। यूं उम्र कट रही है दो अल्फाज में, एक आस में एक काश में। अकेले करना पड़ता है सफर जहां में कामयाबी के लिए, काफिला और दोस्त अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहां वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। दिल में रहना सीखो, घर में तो सभी रहते हैं। पीर लिखो तो मीरा जैसी, मिलन लिखो कुछ राधा सा, दोनों ही हैं, कुछ पूरे से, दोनों में ही वो आधा सा। क्या खूब कहा है किसी ने, प्यार कितना भी करो थोड़ा कम पड़ ही जाता है। आप किसी को कितना भी मान सम्मान देंगे, कमियां निकालने वाले तो बस अपना काम करते हैं। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूं ना उदास हूं, बस खाली हूं और खामोश हूं। बहाने बनाकर अपनी इज्जत बचा लो, या मेहनत करके इस दुनिया में अपनी इज्जत बना लो, फैसला अब आपके हाथ में है। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। सुना है अब वो स्कूल में पढ़ाती है और मेरे नाम के बच्चों को बेमतलब कूटती है। जब जिम्मेदारियां आती है सब कुछ सिखा दे। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना ले, और जब किसी के अवगुण दिखे तो मन को आईना बना ले। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, मन करता है एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं। तब याद आता है इतने बरसों से उसी यात्रा में हूं। कुछ बातों से अनजान रहना अच्छा है, कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ निभाने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मैं उनका हूं ये राज सब जानते हैं, वो किसके हैं ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बहुत दर्द होता है यह सोचकर कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग कर रहे होंगे जिन्हें तैरना खुद आपने सिखाया होगा। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती।
कुछ लोगों को। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें ही मिलानी पड़ेगी। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव की सोच रखते हैं। लोगों ने मुझे बताया था कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है, क्या सही है और क्या गलत उसे सब पता होता है। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग है, शुरुआत कौन करे यही सोचकर बात बंद है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। रूठने के बाद मनाने का रिवाज ही खत्म हो गया है। अब मनाने की बजाय लोग इंसान ही बदल देते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूं। निभाने वाला आपकी हजार गलतियां भी माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए, कुछ उलझनों के हल बेशक जवाब देर से मिलेंगे मगर लाजवाब मिलेंगे। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। उस इंसान का कभी दिल मत दुखाना जिसके ऊपर वाले के सिवा और कोई सहारा ना हो। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जिंदगी अभी सिर्फ आधी ही गुजरी है, हम बचे हुए कोरे पन्नों पे कोई भी कहानी लिख सकते हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करें वैसा भरे विधि का यही विधान। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ये खेल है कर्मों का, यहां कर्मों का सिक्का चलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को नहीं। मैंने आजाद कर दिया हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। डिप्रेशन क्या होता है मां बाप से पूछो, मगर जाहिर नहीं होने देते, जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। दुआ करना कि अब ना मिले हम, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब दे सको इस लायक नहीं तुम। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। गुरूर किस बात का करूं, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वो बड़ी बड़ी बातें ना ही करे तो अच्छा है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। मैं रोज गुनाह करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूं और वो रहमत से मशहूर है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना होता है।
अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। कुछ गम, कुछ ठोकरें, कुछ चीखें उधार देती हैं। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आके तोड़ दिए जाते हैं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है, साथ देने वाला कोई नहीं। ना दुखाओ उसका दिल जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। बेशक तुम्हारे काबिल नहीं वो, लेकिन आखिर एक इंसान तो है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने हो। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना है कौन ये वक्त बताता है। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जी पाना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब अपने लिए जीने लगते हैं। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जब खुद को सबसे दूर किया तो पता चला किसी के लिए भी खास नहीं थे हम। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है हमें बुरा ही समझे। कागज की कश्ती में सवार है हम, फिर भी कल के लिए परेशान है हम। काश मेरी लाइफ में एक डिलीट बटन होता ना, तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं। अगर बोलते तुम नहीं तो बुलाते हम भी नहीं। खामोशी जिसका जवाब हो उसे पुकारते हम भी नहीं। खुद ही रुठे, खुद ही मान गए, यही हकीकत है जान गए। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना। कोई कहे यह तेरा है, कोई कहे यह मेरा है, कोई कहे जो तेरा है वो मेरा है, लेकिन हकीकत में ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। यह दुनिया एक रैन बसेरा है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं जो जख्म अपने दे जाते हैं। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। ये जो सूखी टहनियों में नमी बची है ना, इसी को याद कहते हैं। गुण 36 नहीं केवल 4 होने चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते, और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। बात करने के लिए टॉपिक नहीं, फीलिंग्स होनी चाहिए। तेरी यादें कुछ मेरे पास रह गईं, तेरे बिना ये जिंदगी महज लाश रह गई। कभी गुरूर था मुझे तेरा होने का, अब मुझे बस तेरी तलाश रह गई। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे करना। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। खटखटाते रहिए दरवाजा, एक दूसरे के मन का मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।